इस बंदे की शादी हो रही है फिर ना, ऊंट बहुत है देखो ये फंक्शन में, मेरी फोटो खींच दे मेरी कपिल का बेटा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज जो है कि मेरे कपिल के जो है भाई का उसकी शादी है, तो मैडम को लेकर आया हूँ मैं मेकअप कराने। मेकअप करवाने के बाद मैं आ गया हूँ रूम पे, ये देखो ऊंट, इसको ले जाएंगे शादी में, बांध के रखेंगे बाहर रोमांस के लिए। और अब आ गए हैं शादी में, मतलब कि हॉल में शादी करते हैं ये लोग। कितना खूबसूरत हॉल है देख रहे हो, कितने मस्त मस्त लाइट लगे हैं। आप देख सकते हो पोस्टर में, ये उसका बाप है और वो उसका बेटा, तीसरी शादी कर रहा है भाई साहब। पैसा है तो क्या कुछ नहीं कर रह सकता आजकल। और आप लोग हमें तो जानते ही हैं, ये रहा मैं वीडियो बनाते हुए। ये जो है बाहर का हॉल है, मतलब ये खुला एरिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मतलब एकदम मस्त। फिर उसके बाद खाने की तैयारी हम लोग करने लगे। ये देखो खाना ऐसे ही खाते हैं सऊदी में, हमारे यहाँ भी ऐसे गोल गोल टेबल लगता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है ये लोग एक ही थाली में सब खाते हैं, हम लोग का थाली अलग अलग होता है, देख सकते हो आप। और ये मैं वीडियो बनाते हुए आपको दिखा रहा हूँ, देखो और ये बंदा मेरा दोस्त जो कि बांग्लादेश से है, इसको फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक होता है, कहीं भी जाए फंक्शन में मेरी फ़ोटो खींच दे मेरी फ़ोटो खींच दे। बाकी आप लोग देख सकते हो ये ऊँट का गोश है। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद आ गए थे, इधर डांस हो रहा है, देखोगे आप लोग, सुनो थोड़ा सा डांस कैसा होता है। ये देखो सऊदी थम्स अप दिखाते हुए कह रहा मेरा ही फोटो खींच। अभी सब डांस करेंगे, ये रहा सिस्टम, बूफर का साउंड वगैरह सब इधर ही रखा हुआ है। देखो इस बंदे की शादी हो रही है, फिर मैं से हाथ वो मिलाता हूँ, फिर आ जाता हूँ इधर साइड। मेरे कपिल के बाप के पास ना ऊँट बहुत है, देखो ये जहाँ पे शादी होती है ना ऊँट ज़रूर होती है, इन लोगों की सऊदी की यही पहचान है ऊँटों से, तो ऊँट ज़रूर रखते हैं शादी के हॉल के बाहर, तीन ऊँट चार ऊँट ऐसे रखे रहते हैं। तो अभी शादी ख़त्म हो गई है तो जा रहे हैं सब अपने अपने घर, तो ऊँट को भी लेके जाएंगे, अभी बांधेंगे ऊपर ला देंगे, देखें ना आप कैसे लगते हैं ऊपर, देखो ये देखो सब खींच के ऊपर फिर लाते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो देख सकते हो फाइनली ऊँट को अंदर लेके चले गए हैं, भाई ऊँट तो बहुत वजन होता है यार, हाथ से थोड़ी ना लाद पाएंगे, ना वो चढ़ता है, उसको ऐसे ही चढ़ाया जाता है।
फिर मैं जा रहा था मैडम को लेने, देखा मैं रास्ते में कैमरा, मैं कहा ये वही कैमरा है जिसमें मुखालफे आते हैं, जिसका स्पीड कैमरा आप लोग देख सकते हो। फिर ये मेरा कपिल का बेटा उसको देख रहा है। तो फाइनली गाइस शादी का डी एंड हो गया है, सब लोग अपने अपने घर गए। देखो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत, चांद लग रहा है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।